श्रोताओं आइए एक रागणी और उस समय से किस्सा होगा नल दमयंती का। और रागणी कहां से कि जिस समय सोती हुई दमयंती को छोड़ करके राजा नल चले जाते हैं और फिर उसके आगे रास्ता पूछते पूछते चंदेरी में रानी दमयंती चली जाती है और अपनी मासी के यहाँ, जो कभी देखा भी नहीं था मासी को, मासी के यहाँ जाके दासी बन के काम करने लग जाती है। यहाँ की ये रागणी है, बाकी वाला सुनेगा क्या बता दिया। श्रोताओं क्या सोचती है रानी दमयंती सुनेगा। इरे उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ी और उल्टा चल्या पानी और तासी बनके उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ी और उल्टा चाल पानी दासी बन के रहन लाग की रानी रे। उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ी और उल्टा चाल पानी था। आज क्या क्या ख्याल आते हैं, दासी बन के रहना पड़ा, सुनेगा पहली बात में। हिर झाड़ बोछड़े जंगल के माँ, झाड़ बोछड़े जंगल के माँ, फिर कैसे खेते हाट पिलंग अपने सर पे मने कद धर के देखे थे। सौ सौ मटके पानी के मने कद भर के देखे थे। दासी आए काम बता मने कद कर के देखे थे। दासी आए काम बता कद कर के देखे आता है कि ये किस्से भी हमें बताते हैं कि ऐसे ऐसे राजा हुए जिनके ऊपर इतनी सारी कठिनाइयां पड़ी। कहने का मतलब समय कैसा भी हो इंसान को घबराना नहीं चाहिए। दूसरी बात के द्वारा सुनेगा क्या बता दिया। रे कई कई पलंग निवारी थी आज सौ सुधरती मैं अपने पिया की प्यारी सु इस कारण दुख भरती मैं।
कष्ट भी सहना पड़ जा से दिखे मानस ने अनसरती में हुकुम अदब तामील बजाती दासी बनी फिरती में हुकुम अदब तामील बजाती दासी बनी फिरती में फिरती रो जिंदगी में काट लिए जिसे पूरब में बोए थे उतने गहरे दुख के झगड़े पहलम ना झोए थे रानी थी बोझ बिराने हरगिज ना ढोए थे छुट्टे बर्तन कट्ठे कर मन कदमांजे धोए थे सुखे बर्तन पत्थे पर करे थे बोर बिगड़ गई में राजपाट धन दौलत लुट गया होगी डुबा ढेरी बिगड़ी सूती छोड़ दई दिखे कड़े डिगर गया इतनी कह के दमयंती ने कई कई आंसू गेरी इतनी कई कई आंसू गेरी